भसीन साहब, शानदार रैली, और आपने जो बात 14600 की थी वो आपके सामने आती हुई दिख रही है। आपको बहुत बहुत मुबारक, और ये सिर्फ आप ही ने अपनी गर्दन आगे कही थी और ये कहा था कि फ्राइडे से पहले आपको 14600 दिखा दूंगा। आज मंगलवार है और 14650। आपकी टिप्पणी। हाँ, थैंक यू शैलेंद्र जी। तो देखिए, फियर में ही पैसा बनेगा अगर आप ले सकते हैं, और ऐसा बजट मैंने देखा नहीं। तो आई थिंक दिस इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ अ पॉइंट। ऑब्वियसली दे विल बी प्रॉफिट बुकिंग्स, बट दिस इज द टाइम टू गेट इनटू क्वालिटी स्टॉक्स। तो इंडेक्स में देर विल बी आउट परफॉर्मेंस ऑन बैंक्स एंड सेलेक्ट रियल इस्टेट, जैसे आपने कहा, बट लुक फॉर द मेटल्स, लुक फॉर कमोडिटीज। ये जो आपने कल देखा है वो वही हुआ है जो यूएस में गेम ऑन में हो रहा है। शॉर्ट स्क्वीज ऐसा हुआ है जो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, कि 2700 पॉइंट, और अभी तो ये शुरुआत है। आपने सिल्वर में तेजी देखी है, आप देखिए कि कैसे कमोडिटीज में चली है। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन द मार्केट। आप कहें तो मैं आज के लिए दो टॉप पिक्स दूं अपनी। फरमाइए भसीन साहब। तो देखिए, द लार्जेस्ट प्लेयर इन सिल्वर इन इंडिया इज वेदांता। यू कांट गो रॉन्ग। द कंपनी इज बीन वेरी वेरी एक्टिव इन ट्राइंग टू बाय बैक देयर शेयर, एंड आई थिंक दैट सिल्वर इज हेडेड मच हायर। तो 174-75 में कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 69, लुक फॉर टारगेट्स क्लोजर टू 185-190। दिस इज अ ट्रेडिंग कॉल, बट वेदांता विल ऑल्सो बी द बिगेस्ट बेनिफिशरी ऑफ द कमोडिटी साइकिल इन इंडिया। तो वेदांता इज माय टॉप पिक देयर। दूसरा, आप देख रहे हैं ऑटोज में जिस तरह से तेजी है, और यूरोप इज रिबाउंडिंग, तो मदरसन सुमी सीम्स टू बी द बेस्ट प्ले ओवर देयर। प्लस द रूपी डॉलर इज गोइंग टू गिव देम एन एज ऑन द करेंसी। 156-57 में लीजिए, 152 का स्टॉप लॉस रखिए, 180 का टारगेट मुझे दिख रहा है मदरसन सुमी में। ओके सर, आपकी थीम रहती है आप रिस्क को बखूबी बाय करते हैं, लास्ट वीक आपने यही करा, और कहां कहां रिस्क आपको बाय करने लायक लग रहा है इस वक्त इन दो कॉल्स के सिवा, अगर थोड़ा सा व्यू बड़ा हो तो सर? तो देखिए वीरेंद्र, वेरी गुड पॉइंट। रिस्क नहीं, यहाँ पे मेरे को रिवॉर्ड दिखता है इन फार्मा एंड आईटी, जो आज और कल में लैग कर सकते हैं बिकॉज मनी विल गो इन टू हाई एबिट, बट यू कांट इग्नोर क्लाउड कंप्यूटिंग एंड द नेचर ऑफ वर्क फ्रॉम होम। तो आपको मैंने कल भी दिया था TCS 3100 था भाव था, आई थिंक आज वो 3200 बिक गया। HCL टेक, TCS एंड इन फार्मा, बिकॉज नोबडी इज रियलाइजिंग द पोटेंशियल विच अ फाइजर आउटसोर्सिंग इन टू इंडिया एंड सो ऑन कैन हैव, एंड सन फार्मा रिजल्ट आर अनबीटेबल। सन फार्मा एंड डीवीज विल रिमेन टू बी माई टॉप टू पिक्स फॉर दिस ईयर विद अ 30-40% अपसाइड। सन कैन गो ऑल द वे टू 750-800 एंड डीवीज टू 4500। भसीन साहब, बैंक निफ्टी बैंक की जो तेजी है वो देखते ही बनती है। आपने अक्सर चर्चा करी है बंधन बैंक पर लॉन्ग साइड पर, ये स्टॉक आज आपको चहकता हुआ दिखेगा, कोई व्यू अगर आप बंधन बैंक पर देना चाहें तो? तो बंधन बैंक देखिए हैज बीन थ्रू द आई ऑफ द स्टॉर्म, बट आप ये लेके चलिए, जितना बड़ा पैकेज आसाम में आया है और अदर स्टेट्स में, उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी बंधन बैंक है, और उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया कि 7% वाज अ ग्रॉस एनपीए लेवल बिकॉज ऑफ सम 1 month डिलेज। सो मार्केट मेड टू मच ऑफ दिट फ्रॉम 400, ब्रॉट द स्टॉक डाउन टू 300। आई थिंक इट हैज अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड। शैलिंदर जी, वर्ल्ड में किसी के पास 2.25 करोड़ अकाउंट नहीं है जो बंधन बैंक के पास है, और उसका अगर आप फायदा नहीं उठा सकते, मेरे को तो ये 450-500 का भी भाव दिख जाए कोई बड़ी बात नहीं है इन द नेक्स्ट 1 ईयर। चलिए, ये राय आपको बंधन बैंक पर आती हुई दिख रही है।